हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स और डायजाइगोटिक ट्विन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का मतलब क्या होता है? दीज डेवलप फ्रॉम सिंगल जाइगोट, ये एक ही जाइगोट से बने होते हैं। डायजाइगोटिक ट्विन्स दो जायगॉट से बने होते हैं। क्योंकि ये एक ही जायगॉट से बने हैं, इसीलिए इनका जीनोटाइप सेम होगा। जबकि डायजाइगोटिक ट्विन्स जीनोटिपिकली डिफरेंट होते हैं। इनमें से मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कम पाए जाते हैं, जबकि डायजाइगोटिक ट्विन्स 10 to 11 टाइम्स ज्यादा कॉमन है। क्योंकि जाइगोटिक ट्विन्स मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जीनोटिपिकली सेम है, तो इनका अपीयरेंस भी सेम होगा। जबकि डायजाइगोटिक ट्विन्स में डिफरेंसेस रहेंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स को ऑल्सो नोन एज फ्रेटर्नल ट्विन्स मैटर्नल ट्विन्स जबकि डायजाइगोटिक ट्विन्स को फ्रेटर्नल ट्विन्स भी कहा जाता है। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहलाते हैं। जबकि डायजाइगोटिक ट्विन्स नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स कहलाते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन क्योंकि एक ही जायगोट से बने हैं, सेक्स इज ऑलवेज सेम। जबकि डायजाइगोटिक ट्विन्स में सेक्स एक भी हो सकता है और मे और मे नॉट बी सेम। एक और खास बात, यदि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के बीच में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो वो फुली एक्सेप्टेड होता है, जबकि डायजाइगोटिक ट्विन्स में लेस एक्सेप्टेबल है। तो ये डिफरेंस था मोनोजाइगोटिक ट्विन्स और डायजाइगोटिक ट्विन्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।